बकरी जो लास्ट मैच में जबरदस्त पारी खेल के दूसरी बॉल ऊपर की तरफ शॉर्ट कवर्स के फील्डर के हाथ में। एलिमिनेटर छुटके द्वारे के बाहर हुए तीसरी बॉल और ये बड़ी विकेट, बड़ी विकेट। पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी करने के बाद दीपक गिरी की बड़ी सफलता पहले ही ओवर में, निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता पहले ओवर में दिलाई मनोहर ने पीवीएस को। पहले विकेट के पतन के बाद राकेश कनौजिया IPPL के लिए ग्राउंड पे, बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा मैच, बड़ा प्लेयर। डू और डाई एनकाउंटर, जो टीम यहां पे हारेगी वो तीसरे प्लेस के साथ बहुत ही बेहतरीन शॉट। आते ही पहली बॉल पे चौके के साथ शुरुआत, सारा प्रेशर रिलीज करते हुए फुल टॉस बॉल थी, उसको मिड विकेट पे टाइम किया। बहुत ही अच्छी शुरुआत और ये बहुत ही अच्छे शाइन IPPL के लिए। छोटी बॉल कट करने की कोशिश थी और ये थ्रो वेवर था, वरना तन्नु भाई स्ट्रगल कर सकते थे। थोड़े से कंडीशंस बॉलिंग फ्रेंडली हो सकते हैं, कल से बारिश हो रही थी। तन्नू भाई फेस करेंगे इनिंग्स की पहली बॉल। बहुत ही अच्छी बॉल, क्या क्या इन लोगों, ठीक है, ओके सामने हट जाइए आप लोग, बैटिंग के लिए सामने हट जाइए, थोड़ा सा साइड लगा लीजिए। और शॉर्ट मिड विकेट पे फ्लिक करके सिंगल लिया, बहुत ही सूझबूझ पारी खेलनी होगी। पहली बड़ी विकेट BBS को मिली है पहले ही ओवर में।
विकेट गेंद आईपीएल की खूबसूरती है। एक दशकों का महान टेनिस बॉल क्रिकेटर और एक उभरता टेनिस बॉल क्रिकेटर ग्राउंड पे मुन्ना झुंड में तो गेंद विकेट के अंदर गेंद कर रहे हैं, उसको मिड विकेट पे फ्लिक करने की कोशिश मगर सीधे फील्डर के हाथ में एक और डॉट बॉल। हर डॉट बॉल के साथ प्रेशर बढ़ेगा। और छोटी बॉल उसको ड्राइव करने की कोशिश। निश्चित रूप से बैटिंग करते हुए देख के लग रहा है कि विकेट फंस रहा है, थोड़ा फंस के खेलेगा ऐसी की उम्मीद थी। स्वीप करने की कोशिश, दिशा से भटके और एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल। बहुत सारा एक्सपीरियंस अपने अंदर समेटे हैं तन्नु भाई। और इस बार स्वीप करने की कोशिश, इस बार सीधे फील्ड के हाथ में रन लेने की कोशिश और ये मिसजज, मिसकम्युनिकेशन, बहुत ही बड़ा मिसकम्युनिकेशन। निश्चित रूप से गलत कॉल थी दीपू की तरफ से, निश्चित रूप से गलत कॉल थी। सीधे फील्डर के हाथ में थी बॉल, सिंगल करने की कोशिश और इस सिचुएशन में निश्चित रूप से नहीं ये रन करना था इन्हें। एक और सफलता बीबीएस को और मैच पे पकड़ बनाते हुए। तीन विकेट खो चुकी है। और अच्छी बॉल, और अगर अच्छी थ्रो होती तो यहां भी खतरा हो सकता था। अजीत जो कि अपने फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, और एज बारी किनारा, बहुत ही महत्वपूर्ण चौका, बहुत ही महत्वपूर्ण चौका। चौके के बाद मिड विकेट पे खेल गए, सिंगल लेने की कोशिश नाकाम, सीधे शानू के हाथ में। खैर चौके ने कुछ प्रेशर रिलीज किया होगा। तीन ओवर की समाप्ति पे 15 रन और 3 विकेट, निश्चित रूप से रन तो ठीक है। तन्नु भाई
बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही सूझबूझ से सिंगल के लिए खेल दिया है। और अब मैं चाहूंगा नरेंद्र शुक्ला हमारे कमेंटेटर, अच्छे तरीके से पॉइंट पे प्लेस करके सिंगल पूरा किया। धीरे धीरे स्कोर बढ़ाना होगा। बहुत ही बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट, कवर्स पे खेल दिया है। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा मंच, बड़ा मैच, यही उम्मीद होगी उनकी टीम की उनसे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिने जाते हैं तनवीर अहमद। बेहतरीन शॉट, गैप में फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। थोड़ी सी अपील, एम्पायर का इशारा, लेग बाय, निश्चित रूप से लेग साइड मिस कर रही थी बॉल। नरेंद्र शुक्ला कमेंट्री का कार्यभार संभाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बेहतरीन मैच चलता हुआ। दोनों टीमों के कप्तान भली बात जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मैच है उनके लिए और टीमों के लिए। ड्राइव करना चाहते थे बॉलर थ्रो में, स्वयं खिलाड़ी ने फील्ड किया, कोई रन लेने का मौका नहीं। फिर से गेंदबाज तैयार, बैकवुड पर जाकर पंच कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रन आउट का चांस और अपील और थर्ड पर। हालांकि संजीत का विकेट यहां पर मिल जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा यहां पर IPPL को। थोड़ी सी जल्दबाजी और थोड़ी सी हड़बड़ाहट कहीं यहां पर दिख रही है बल्लेबाजों की। ऐसा अगर विकेट यहां पर प्राप्त हो जाता है तो बहुत बड़ा झटका होगा टीम के लिए, ये टीम के हित के पूरे परे होगा यहाँ पर अगर विकेट मिल जाता है तो धड़कनें तेज होती हुई IPPL के लिए। तो साइड स्क्रीन पर आ हुई है, आपको लेके चलते हैं। क्या आउट था? मुझे तो थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, तो आसानी से हमें लग रहा है कि पहुंच चुके हैं बल्लेबाज। तो देखते हैं क्या निर्णय आता है यहाँ पर थर्ड एम्पायर का। अभी भी निर्णय आने में थोड़ा, जी हाँ, नॉट आउट का इशारा आया है यहाँ पर। तो एक जो धड़कने यहाँ पर तेज हुई थी वो यहाँ पर थमती हुई। निश्चित तौर पर बड़ा स्टेज है, क्या जानते हैं दोनों कप्तान की जो टीम हारेगी वो सीधे अपने स्वदेश वापस जाएगी और जो जीतेगी वो सीधे फाइनल का टिकट यहाँ पर प्राप्त होगा। तो देखते हैं क्या हो पाता है। हल्के से बैट का बाहरी किनारा, थर्ड मैन एरिया की तरफ गई, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज संजीत को। अगर एक अच्छा टोटल देना है तो इन दोनों बल्लेबाजों को जिम्मेदारी उठानी होगी और अंत तक खेलना होगा निश्चित तौर पर। और प्रदीप जी बॉलिंग रन अप तैयार। हल्के से खेल दिया, रन लेना चाहते थे और एक चांस बन सकता था। इस तरह मौकों को भुनाना चाहिए, यहाँ पर काफी नाखुश है अपने आप से गेंदबाज प्रदीप। हालांकि एक मौका बना था लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाया यहाँ पर। तो एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज तनवीर अहमद सर को। प्रदीप, छोटी गेंद थी, बैक फुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, पूरी तरह चूके। हालांकि छोटी गेंद थी, फायदा उसका उठा नहीं पाए यहां पर बल्लेबाज। प्रदीप फुल लेंथ की गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बेहतरीन वहां बॉलर थ्रो में स्वयं प्रदीप के द्वारा फील्ड किया गया, कोई रन लेने का मौका यहां पर मिला नहीं।
बड़ा मुकाबला, बड़ा स्टेज, ऐसे मौके पर अगर आप गलती करेंगे तो पीछे मुड़के गलती देखेगी नहीं। और देखते हैं आज के मैच में हो क्या पाता है। छोटी गलती में एक फुट पर जाकर पंच करना चाहते थे, लगातार वही शॉट खोज रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं पा रहा है। थोड़ा आत्मविश्वास की कमी भी दिख रही है। ये कहीं ना कहीं वापस आना होगा लय में अगर IPPL को स्कोर देना है तो। छोटी गेंद थी, निकल कर खेलने का प्रयास था और एक बार फिर वही नतीजा, डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 25 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर। मुन्ना झुंड में तो सुअर आता। शायद जी हाँ, मनोहर अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का छठवां ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे। माफ करिएगा, मनोहर फर्स्ट है। फुलालेल की गेंद ड्राइव करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन इतना हुआ कि 1 रनों में यहां पर तब्दील कर सके। छठवां ओवर प्रगत पर है, स्कोर 26 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर। और इसमें एक बेहतरीन बल्लेबाज का विकेट है, दीपक गिरी, हम भूलना नहीं चाहेंगे। क्या शानदार बैटिंग का नजरिया पेश किया था पिछले मैच की बात की जाए, लेकिन थोड़ा सा आज वो समझ पाए नहीं हम कि उतनी अच्छी बल्लेबाजी करे नहीं। आज ड्राइव किया है खिलाड़ियों के बीच से, लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से दूर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो संजीत के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, बेहतरीन चौका। इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों को अगर बड़ा टोटल देना है तो। और इसी तरह अगर बल्लेबाजी करते रहे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा स्कोर के लिए जाएगी IPPL। फुलालेन की गेंद ड्राइव किया है, फिर से वही शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा 4 रन। एक और चौका यहां पर निकलता हुआ, क्या बेहतरीन शॉट। इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी, बिल्कुल बेखूबी अपना साथ यहां पर निभा रहे हैं IPPL की ओर से। नाम है संजीत, एक बड़ी पारी करनी होगी। 17 नंबर जर्सी के साथ बल्लेबाजी के लिए तैयार मनोहर। ये गेंद मनोहर की और उसे ड्राइव करना चाहते थे लेग साइड पर, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ कि मात्र 1 रन में तब्दील कर सके। विकास चतुर्वेदी ने गेंद को फील्ड किया, मात्र 1 रन। और जैसे ही देख रहे हैं कि दोनों बल्लेबाज, खराब गेंद को सही नसीहत और अच्छी गेंद का सम्मान, एक प्रॉपर बल्लेबाज की यही पहचान होती है। छोटी गेंद थी, बैक फुट पर जाकर पंच कर दिया, पॉइंट पर लगे खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, मात्र 1 रन। और मनोहर कुछ को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छी गेंदबाज है, लाइन पकड़नी होगी। निकल कर खेल दिया है कवर्स पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र 1 रन। लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 37 रन।
बनाकर पुल कर दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रनआउट का चांस लेकिन गवाया है यहाँ पर, कलेक्ट नहीं कर पाए प्रदीप। थ्रो थोड़ा सा धीरे था कप्तान सानू का, अगर यहाँ पर डायरेक्ट हिट या पकड़ पाते प्रदीप गेंदबाज तो निश्चित तौर पर एक घटना घट सकती थी, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित। प्रदीप बॉलिंग रन पर तैयार और सामना करेंगे सीनियर बल्लेबाज तनवीर अहमद। छोटी गेंद थी, पुल कर दिया है लेग साइड पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद स्टोक्स उर्फ विटोरी, गेंद को फीड करें मात्र एक रन। और एम्पायरों की बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में क्या लाजवाब एम्पायरिंग, पूरी लय में दिखे एम्पायर, बहुत ही शानदार एम्पायरिंग। छोटी गेंद थी, निकलकर खेलने का प्रयास लेकिन बैट का बाहरी किनारा, गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद मात्र एक रन। छोटी गेंद उठा दिया है सीधे बाहर, मार बैठे, ये बड़ी मछली होगी जाल में, यहाँ पर फंसाया प्रदीप ने, तनवीर अहमद को वापस जाना होगा पवेलियन। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी कही जाएगी प्रदीप की, और जो विकेटों की यहाँ पर तलाश थी, जो जिस विकेट के लिए प्रदीप को लाए थे कप्तान सानू, वो वहां पर हासिल कर पाए। क्या गजब की गेंदबाजी और बेहतरीन कप्तानी का मुजहरा पेश करते हुए सानू जी। और एक बड़ा झटका लगा है, 40 रन पर 4 विकेट और 6.4 ओवर की समाप्ति पर, इन बचे हुए ओवरों में कितना स्कोर दे पाती है, अगर 60 से 65 या 70 रन यहां पर बना लेती है IPPL तो निश्चित तौर पर एक अच्छे स्कोर की ओर जाएगी, एक अच्छा टोटल कहा जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है, मैच है, सिचुएशन के अनुसार कभी भी बदल सकता है। तो अब आए हैं नए बल्लेबाज राहुल सिंह, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं, इस सिचुएशन में कैसी बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा, जिम्मेदारी उठानी होगी IPPL की ओर से, और इन दोनों बल्लेबाजों को खेलना बहुत जरूरी। और हमारे वॉलंटियर थोड़ा ध्यान दे, जो हवाएं तेज चलती हुई मैदान पर, और प्रदीप छोटी गेंद थी, मारना चाहते थे पॉइंट पर लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल जितना वो चाहते थे। फिर से वही ड्राइव लगाना चाहते थे, नतीजा वही डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। 7 ओवर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम IPPL। कहीं ना कहीं ये दो बल्लेबाज खेलते अगर रह गए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा स्कोर की ओर जाएगी IPPL। तो मनोहर टू आए हैं गेंदबाजी के लिए अपने गोटे का पहला ओवर। छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पंच करना चाहते थे लेकिन गेंद का बैट का बाहरी किनारा, मात्र एक रन। प्रदीप गेंद को फील्ड किए थर्ड मैन एरिया की तरफ से, तब तक एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज प्रदीप जी को। मनोहर ड्राइव कर दिया है लेग साइड पर और बेहतरीन फील्डिंग, नाम है विटोरी, मात्र एक रन। ऐसे सिचुएशन पे अगर ऐसी फील्डिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षक देखने को मिला है यहाँ पर विटोरी के द्वारा, कम से कम 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। फिर से लेग साइड पर खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक और बेहतरीन फील्डिंग।
विटोरी के द्वारा मात्र एक रन। और मनोहर लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक विकेट लेना होगा खासकर इन दोनों बल्लेबाजों को, और इन दोनों बल्लेबाजों को बेखूबी जिम्मेदारी निभानी होगी। कैसी बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा। और यहां पर खेल दिया है और यहां पर लॉन्ग ऑफ की तरफ से सीधे सतीश को बीट करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रन। तो राहुल सिंह के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका उछलता हुआ स्कोर 47 रन। इसी तरह बल्लेबाजी करते रहे तो निश्चित तौर पर बड़े स्कोर की ओर जाएंगे। मनोहर एक खराब गेंद कही जाएगी, फुल लेंथ की गेंद थी, कुछ समझ नहीं पा रहे और लगातार सानू उनको समझाते हुए। मनोहर स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ जितना वो चाहते थे, लेकिन एक रनों से रोक नहीं पाएंगे वहां पर क्षेत्र रक्षक। तो अब स्ट्राइक पर होंगे संजीत संजीत मिश्रा 18 गेंदों पर 21 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। और यहां पर ड्राइव किया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, मात्र एक रन। ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
में तो सुअर आते हैं। पर और साथ में राहुल सिंह कभी भी दो चौका मार सकते हैं, बहुत बड़ा खिलाड़ी। आखिरी ओवर लेकर आए हैं शिवम राव, ऋषभ राव, लास्ट ओवर चलता हुआ। स्टार्ट विथ स्लो बॉल, अंपायर का कोई इशारा नहीं, वन बाउंस भी नहीं। पांच बॉल और इस इनिंग में, पांच बॉल और। फिर से डॉट बॉल, बहुत अच्छा ओवर इकट्ठा हुआ अभी तक बीबीएस के लिए। चार ही बॉल बची है, तब तक हम किसी और से बात करते हैं। नाम बताइए भाई। कासिम। कासिम भाई एंजॉय कर रहे हैं टूर्नामेंट? जी चलिए, आज फाइनल भी है इसका 8 बजे, और अभी ये सेमीफाइनल चल रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इस बॉल पर क्या होगा। अमित सिंह डिब्बा स्ट्राइक पर आ गए हैं, पहली बॉल खेलने आए। भैया तो काफी अच्छे प्लेयर हैं, हमको लगता है कि वो चौका मार सकते हैं। बिल्कुल सही आपने सोचा है, क्योंकि ये सिंगल पे बिलीव नहीं करते और तीन ही बॉल बची है इस इनिंग में। अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है प्राइज आपका। तीन बॉल इस इनिंग में, और सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे फाइनल में लगातार ये प्रेडिक्ट एंड विन सेशन चलेगा। और आते ही चौका, शानदार चौका, और ये आपका प्रेडिक्शन सही। प्राइज इनको दिया जाए। नहीं शुक्रिया भाई, थैंक यू। चौका बहुत अलग, बहुत मुश्किल प्रेडिक्शन था। नॉर्मली लोग सिंगल और डॉट बोल करके जीतते आए हैं, आपने चौका बना के जीता है, तो वेल डन भाई। दो बॉल और इस इनिंग में, फिर से बेहतरीन शॉट, अंपायर का इशारा देखना होगा क्या होता है। अंपायर अपना डिसीजन देख ले कि क्या है। थर्ड अंपायर को रेफर किया है, थर्ड अंपायर रेफर है, फैसिलिटी है, अवेल करें जी। नहीं रहने दो, राहुल सिंह आएंगे तभी करना अगले मैच में। नहीं नहीं रहने दो, ध्यान दो, जब अपॉर्चुनिटी आए तो उसे कैश करना चाहिए भाई। अब बायर का डिसीजन देखना होगा भाई। एक जीपन पहुंच गई इन दोनों में से, जो जीतेगा पहुंच जाएगा। ये सही, हाँ हाँ, एक गौरव वाली बात। 8 बजे इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज शाम 8 बजे खेला जाएगा इसी ग्राउंड पर। अंपायर का इशारा, 4 रन बाउंड्री, 2 बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री अपनी टीम के लिए अर्जित करते हुए अमित सिंह स्कोर को सम्मानजनक पहुंचा दिया है। 65 बोर्ड पर है। लास्ट बॉल इस इनिंग की, लास्ट प्रेडिक्शन मिल लेते हैं। नाम बताइए भाई। मलिंगा हमारे साथ, लास्ट बॉल क्या लग रहा है? सिंगल। सिंगल सेफ खेलेंगे, सिंगल पे जा रहे हैं। अगर सिंगल हुआ तो प्राइज आपका। और सीधा फील्डर के हाथ में प्रेडिक्शन सही, राहुल सिंह आउट, और इस तरह से प्रेडिक्शन सही, प्राइज आपका। नेक्स्ट इनिंग में फिर आपसे मिलेंगे, और इसके बाद फिर फाइनल मुकाबला होगा। सभी लोग रुके रहे, 8 बजे ग्रैंड फिनाले इस टूर्नामेंट का खेला जाएगा। थैंक यू। 10 ओवर के बाद 66 रन, IPPL।
मुन्ना झुंड में तो और लगातार बल्लेबाजी के अनुकूल ही 66 रन बनाए हैं अपने। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। सनी यादव छोटी गेंद थी, कीपर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। पहली डॉट बॉल आती हुई आई ट्रिपल पीएल की ओर से। विकास चतुर्वेदी काफी मजे हुए बल्लेबाज हैं, आज कैसी बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा।
छोटी गेंद थी लेग साइड पर पुल कर दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, राहुल सिंह गेंद को फील्ड करे मात्र एक रन। तो टीम का खाता खुला एक रनों से और विकास चतुर्वेदी ने भी खाता खोला अपना एक रनों से। और लगातार फील्ड में परिवर्तन देखने को मिल रहा है यहाँ पर कप्तान अमित सिंह की ओर से। जानते हैं कि कितना बहुमूल्य मैच है और दूसरी ओर की कप्तान सानू के जहन में क्या चल रहा होगा। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आरिस खान सामना करेंगे सनी यादव का। और रनआउट का चांस, व्हाइट बॉल का इशारा आया है यहाँ पर नमन के द्वारा और वहां चतुराई भरी क्षेत्र रक्षण कहा जाएगा विकास चतुर्वेदी। अगर ये विकेट यहाँ पर गिर जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा विकेट होगा। तो आइए चलते हैं थर्ड एम्पायर की ओर, क्या ये विकेट यहाँ पर होता है या नहीं। काफी क्लोज मामला लग रहा है, यानी कि और यहां पर काफी क्लोज, निश्चित तौर पर क्लोज। क्या अभी भी डिसीजन यहां पर पेंडिंग में है। क्या ये विकेट यहां पर मिलता है या नहीं ये देखना होगा। जी हाँ, विकेट का पतन निश्चित तौर पर बहुत बड़ा विकेट होगा। ऐसे सिचुएशन में अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा विकेट और काफी निराश होंगे। ऐसे स्टेज पर अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है। तो बहुत बड़ा विकेट निश्चित तौर पर, विकास चतुर्वेदी वापस जाएंगे पवेलियन। अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज मिस्टर ऋषभ राव। पूरी जिम्मेदारी अब टीम की इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर, ऋषभ राव आरिस खान कैसी बल्लेबाजी करते हैं। और काफी उम्मीदें थी कप्तान सानू को विकास चतुर्वेदी से, लेकिन एक खराब काल के चलते रन आउट हुए। कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन जैन में जैसा चल रहा था थोड़ी सी हड़बड़ी दिखी और अपना बहुमूल्य विकेट गंवाकर पवेलियन वापस जाते हुए। सनी यादव बॉलिंग रन पर तैयार और सामना उनका कर रहे हैं आरिस खान, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। हल्के से खेल दिया, रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया ऋषभ राव ने, बिल्कुल सही समय पर सही कॉल। एक रन आउट यहां पर हो चुका है। कैसी बल्लेबाजी करते हैं ये देखना होगा। काफी बड़ा मुकाबला है दोनों कप्तानों के नजरियों से और अगर यहां तक अगर आप कोई भी छोटी गलती करते हैं तो उसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है। हल्के से लेकर फिर कह दिया, रन आउट का चांस हो सकता था और यहां पर खराब थ्रो, खराब थ्रो कहा जाएगा। ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा टीम को। चार रन का इशारा आया है यहां पर और काफी निराश होंगे कप्तान अमित सिंह, क्योंकि जानते हैं एक बड़ा स्टेज है, ऐसी गलती करेंगे तो पीछे मुड़के देखना नहीं पड़ेगा। बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण। अब ये गलती कहां तक पेन दे पाती ये देखना होगा। सनी यादव बॉलिंग रन पर तैयार, सामना करेंगे आरिस खान, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, कैसी बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा। हल्के से खेल दिया है पॉइंट पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और बीबीएस की ओर से बता दे तो इन दोनों बल्लेबाजों को खेलना होगा अंत तक। और इधर आई ट्रिपल पीएल की ओर से गेंदबाजी करनी होगी और क्षेत्र रक्षण भी दिखाना होगा।
क्योंकि बड़ा स्टेज है, दोनों ही कप्तान जानते हैं कि जो टीम हारेगी अपने स्वदेश वापस जाएगी। सनी यादव और यहाँ पर कैच, ओ जी हाँ, पकड़ना चाहिए था तनवीर अहमद जी, एक यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ, ऐसी उम्मीद थी नहीं कप्तान को उनसे, बहुत बड़ा झटका लगने लगना चाहिए था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कहा जाएगा वहां पर। एक साधारण सा कैच था और ये यहाँ अगर पकड़ लेते तो निश्चित तौर पर भाई फुट रन पर नजर आती टीम बीबीएस। और कप्तान सानू के जहन में क्या चल रहा होगा, लगातार उनके खिलाड़ी उनको समझाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों को खेलना होगा अंत तक अगर उस बड़े टोटल तक पहुंचना है तो। और पुनः एक बार फिर सस्ती हुई लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन कवर, स्वीपर कवर लेग साइड पॉइंट और थर्ड मैन। इस फील्ड के साथ गेंदबाजी की जिम्मेदारी अमित सिंह आए हैं, कप्तान हैं और जानते हैं स्वयं गेंदबाजी की जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ते हुए अमित सिंह आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का दूसरा ओवर लेकर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे ऋषभ राव। छोटे फॉर्मेट के बड़े खिलाड़ी हैं लेकिन वो कारनामा करने में असफल रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट की बात की जाए तो ऐसे मौके पर खेलना होगा। हल्के से खेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और मात्र एक रन। अमित सिंह पुनः गेंदबाजी के लिए तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आरिस खान के लिए। हल्के से ड्राइव किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और जब तक सनी यादव गेंद को फील्ड करेंगे एक रन लेने का मौका। छोर बदला अपना आरिस खान ने, और ये हल्के से पॉइंट पर खेलिए, रन आउट का चांस हो सकता है और यहां पर क्या रन आउट होंगे, थर्ड अंपायर को रिफर किया गया है। अगर यह विकेट मिल जाता है तो बहुत बड़ा विकेट होगा, मुझे तो लगता है काफी क्लोज मामला, काफी क्लोज, तो देखते हैं डिसीजन क्या आता है। आइए ले चलते हैं स्क्रीन की ओर और विकेट का पता नहीं, जिस विकेट की यहां पर तलाश थी वो वहां पर ब्रेक थ्रू लाया ड्रीम आई ट्रिपल पीएल को और रन आउट के रूप में वापस जाते हुए आरिस खान, एक के बाद एक बड़े झटके यहां पर। अमित सिंह गेंदबाजी के लिए तैयार और सामना करेंगे अब नए बल्लेबाज कप्तान, कप्तान का सामना कप्तान से, कौन कप्तान किस कप्तान पर भारी होता है देखना होगा। तो कप्तान सानू आए हैं जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ते हुए, जानते हैं बड़ा स्टेज है, क्या कर दिखा पाते हैं, कैसी बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, हल्के से खेल दिया है बॉलर थ्रू में, स्वयं अमित के द्वारा फील्ड किया गया, कोई रन लेने का मौका नहीं, डॉट बॉल यहां पर।
और ये सीधे खेल दिया है और कैच पकड़ना चाहिए था, बहुत बड़ा विकेट मिल जाता है यहाँ पर। दीपू यादव ऐसी उम्मीद उनसे थी नहीं, क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े फील्डर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मुझे तो ये परे लग रहा है, पकड़ना चाहिए था। लेकिन सानू को जीवन दान मिलता हुआ, राहत की सांस यहाँ पर बीबीएस के खेमे में। अगर ये विकेट मिल जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता, और ये कहीं ना कहीं दुविधा का कारण रहा है। तीसरा कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर IPPL की ओर से। स्वीप करना चाहते थे अपील और विकेट का पतन। जी हाँ, बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर। सानू को वापस जाना होगा पवेलियन, हालांकि थोड़ा नाखुश दिख रहे हैं बल्लेबाज। तो बहुत बड़ा विकेट, सानू को वापस जाना होगा पवेलियन। और एक और बड़ा झटका, तो गेंदबाजी की जिम्मेदारी सनी यादव के कंधों पर। ऋषभ राव हल्की सी अपील, लेकिन नकारा है पाने। और रन आउट, एक और रन आउट होता हुआ यहाँ पर। एक और झटका, 440 ओवर का झटका लगता हुआ, और बहुत बड़ा विकेट। ऐसी सिचुएशन पे आप गलती करेंगे तो पीछे मुड़के टीम देखेगी नहीं। अजीत यादव को वापस जाना होगा पवेलियन, एक के बाद एक बड़े झटके। बिल्कुल कैजुअलिटी नजर आ रही है यहाँ पर टीम। अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं मनोहर, मनोहर फर्स्ट। बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, कैसी बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा। तो चिंताएं की लकीरें यहाँ पर बीबीएस के खेमे में, क्या वो चिंताएं यहाँ पर दूर करेंगे मनोहर और ऋषभ राव, ये देखना होगा। और 2.1 ओवर की समाप्ति पर मात्र 8 रन और 4 विकेट और सेमीफाइनल मैच, बहुत ही शानदार। सनी मनोहर के लिए डायरेक्ट गेंद थे, पुल करना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। दबाव साफ जाहिर नजर आता हुआ यहाँ पर बीबीएस की ओर से। सनी यादव बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। दो नंबर जर्सी के साथ गेंदबाजी की जिम्मेदारी को संभालते हुए, और ऋषभ राव बल्लेबाजी करनी होगी। और यहाँ पर अपील और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन यहाँ पर। ऋषभ राव को वापस जाना होगा पवेलियन, क्या गजब की गेंदबाजी यहाँ पर, बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा पेश करते हुए।
सनी यादव नए बल्लेबाज आए हैं यहाँ पर। सतीश पासवान कैसी बल्लेबाजी करते हैं देखना होगा, क्योंकि नैया तो बीच मझधार में फंसी हुई है टीम बीबीएस की, तो क्या उस मझधार से निकाल पाएंगे दोनों बल्लेबाज ये देखना होगा। सनी यादव हल्के से ड्राइव लगाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, मारना कहीं चाहते थे गेंद कहीं और गई, लेकिन इतना है रनों से रोक नहीं पाएंगे क्षेत्र रक्षक, मात्र एक रन यहाँ पर और टीम बीबीएस की ओर से बची हुई 43 गेंदों पर 57 रन बनाने हैं बीबीएस को मैच जीतने के लिए, क्योंकि जो टीम जीतेगी हल्की गेंद थी रन लेना चाहते थे लेकिन वहां पर खराब थ्रो रन लेना चाहते थे। और जी हाँ जी पंत इंडिया डॉट कॉम आप इस ऐप को कैसे भूल सकते हैं, जी पंत इंडिया डॉट कॉम ऑनलाइन गेमिंग ऐप, जितने भी ऑनलाइन गेम बने हैं उन सभी गेमों का अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का चौथा ओवर लेकर अमित सिंह जी गेंदबाजी के लिए तैयार और सामना करेंगे सतीश पासवान। हल्के से खेल दिया है कवच पर लगे खिलाड़ी दीपू यादव के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, मात्र एक रन और अब पूरी तरह मैच में पकड़ बना रखा है यहाँ पर टीम आई ट्रिपल पीएल जी पंत इंडिया डॉट कॉम ऑनलाइन गेमिंग ऐप। हल्के से खेल दिया है गेंद गई थर्ड मैन एरिया की तरफ खिलाड़ी वहां पर मौजूद मात्र एक रन और जीपंत इंडिया डॉट कॉम ऑनलाइन गेमिंग ऐप आप इस ऐप को कैसे भूल सकते हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन गेमिंग ऐप, साइन अप करने पर आपको 500 रुपए का बोनस दिया जाएगा। अमित हल्के से खेलना चाह रहे थे और यहां पर विकेट का बटन सतीश पासवान वापस जाएंगे पवेलियन और अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं विक्टोरी नए बल्लेबाज के रूप में। अब पूरी जिम्मेदारी मनोहर और विक्टोरी के कंधों पर, क्योंकि पूरी तरह बैक फुट पर यहां पर नजर आ रहा है छठवां झटका लगता हुआ टीम बीबीएस को। जब आई ट्रिपल पीएल बल्लेबाजी कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बैटिंग पिच नजर आ रही है, लेकिन अब आई ट्रिपल पीएल अगर गेंदबाजी कर रही है तो लग रहा है कि गेंदबाजी पिच है, तो कुछ समझ से परे नजर आ रहा है यहाँ पर। तो जीपंत इंडिया के ऑनर मिस्टर जीशान जी हमारे बीच आ चुके हैं, कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। अमित गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए और सामना उनका करेंगे हल्के से टैप कर दिया है और कोई रन लेने का मौका मिला नहीं यहां पर। अमित सिंह बॉलिंग रन अप तैयार विक्टोरी के लिए, हल्के से खेल दिया है फिर से बॉलर थ्रो में स्वयं अमित के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया कोई रन नहीं। चौथा ओवर प्रगति पर और स्कोर है 12 रन 6 विकेटों के नुकसान पर
टीम बीबीएस डायरेक्ट गेंद, रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी मनोहर ने मना किया। ओवर की समाप्ति और चार ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 12 रन 6 विकेट के नुकसान पर टीम बीबीएस। और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ते हुए सनी यादव। और इस स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे मनोहर मनोहर वन। हल्के से लेग साइड पर खेल दिया है मात्र एक रन। इन एक रनों से होने वाला कुछ है नहीं, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। और काफी बड़ा मंच है इस बड़े मंच पर, अगर आप गलती करेंगे तो दोबारा मौका मिलेगा नहीं। सनी फुलर लेन की गेंद थी, मारना कहीं जा रहे थे, गेंद गई कहीं और, बैट का बाहरी किनारा और पंकज उपाध्याय गेंद को फील्ड करें मात्र एक रन। gpantindia.com ऑनलाइन गेमिंग ऐप, आप इस ऐप को कैसे भूल सकते हैं, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ गेमिंग ऐप gpantindia.com। साइन अप करने पर आपको 500 रुपए का बोनस दिया जाएगा। सनी स्वीप करना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। एक और डॉट बॉल यहाँ पर, और सनी यादव की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। क्या शानदार बॉलिंग का नजरिया पेश करते हुए पूरे टूर्नामेंट की बात की जाए तो। सनी सीधे बल्ले से खेल दिया है, लॉन्ग आन पर लगे खिलाड़ी संजीत के द्वारा गेंद को फील्ड किया एक रन। बची हुई 32 गेंदों पर 52 रन बनाने हैं, कुछ बड़ा स्कोर है नहीं अगर ये दोनों बल्लेबाज जिम्मेदारी को उठा ले तो। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ करें गेंदबाज की उतनी कम। डॉट बॉल यहां पर, ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी के अनुकूल पिच अब नजर नहीं आ रही है यहां पर, और गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। हल्के से ड्राइव लगाना चाहते थे, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ लेकिन मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति और 6 ओवरों 5 ओवरों की समाप्ति पर 16 रन 6 विकेट।
और गेंदबाजी की जिम्मेदारी को लेकर। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। और एक और विकेट का खतर, विचित्र पर बड़ा विकेट। ए, तू निकल। ए, निकल। क्या रे सेटिंग किया है? वेंगे का बेटा अकेला खड़ा है, हिम्मत है तो सब एक साथ आ। लड़के देखें। तो दोनों कप्तानों से मेरी गुजारिश है कि वो टॉस करा ले। क्या प्रचार करिए आप,
मिस्टर कुणाल। zeebandindia.com सीजन वन का फाइनल टॉस जो कराएंगे हमारे हबीबी। बताइए टॉस हेड इज द कॉल टेल इट इज क्या करेंगे मैं बिल्कुल बॉल चलिए कोई नहीं। तो न्यूज ये है जीबंद इंडिया ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। बारिश को देखते हुए मैच जल्दी हम शुरू कराएंगे ताकि ये पूरा फाइनल कंप्लीट हो सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मुकाबला आई ट्रिपल पी एल वर्सेस जी पंत इंडिया ग्रैंड फिनाले। ए, तू निकल ए, निकल क्या रे सेटिंग किया है। वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है, हिम्मत है तो सब एक साथ आ लड़के देखें। ये मेरे जीते हुए पैसे हैं।